दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो टोकिसू नॉर्थ कोल माइंस है, जो आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे जो है आपका NMDC जो लिमिटेड है, यहाँ पे अपना वर्क यहाँ पे करने जा रही है, जिसमें कि आपका माइनिंग मैनेजर, सुपरवाइजर एंड डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पे NMDC के द्वारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट की एडवर्टाइजमेंट जो शॉर्ट नोटिस यहाँ पे निकाली गई थी, तो इसका जो है फुल नोटिफिकेशन आज यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी के संदर्भ में आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चलिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो NMDC लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है, उसमें जाके सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है, कितने सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मांगे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो NMDC लिमिटेड है, बेसिकली तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है। ये जो है भारत की एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर कंपनी है। तो ये हाल ही में जो है आपका जो जगदलपुर जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर अभी जो है आपका स्टील प्लांट अभी जो है यहाँ पे स्थापित कर चुकी है। और NMDC लिमिटेड हाल ही में जो है आपका जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, जो टोकिसू नॉर्थ कोल माइंस, यहाँ पे जो है आपका अपकमिंग जो कोल माइंस यहाँ पे आपको स्टार्ट कर रही है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है आपका, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में निकाली गई। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ पे बतला चुका हूँ कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है कितने सारे सीटें यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिप्टी मैनेजर माइनिंग के लिए यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशंस माइनिंग इन इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगी गई है। तो आप किसी भी पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, एंड साथ में आपका DGMS के द्वारा यहाँ पे जो इशूड सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, एंड साथ में आपका एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आप जो है GM पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर्स के लिए, तो इसके पास आपका यहाँ पे 15 ईयर्स की यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वहीं पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ यहाँ पे DGMS के द्वारा यहाँ पे इशूड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एंड 12 ईयर्स की यहाँ पे जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वहीं पे सीनियर मैनेजर्स के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उनको यहाँ पे जो है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ आपके यहाँ पे 10 ईयर्स की यहाँ पे जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगी गई है। नीचे में अगर आप फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फाइनेंस के लिए यहाँ पे अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने CA कर रखे होंगे, या फिर ICWA कर रखे होंगे, या अगर आपने इंजीनियरिंग के साथ MBA भी कर रखे होंगे, तो ही आप जो है फाइनेंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इस एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है 10 ईयर्स की यहाँ पर भी मांगी गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर आपका ग्रेजुएशन CA या फिर ICWA में यहाँ पे मांगी गई है। न्यूनतम आपको यहाँ पे जो 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मांगी गई है, एंड मैक्सिमम 15 साल की जो है आपका एक्सपीरियंस बतलाई गई है। ओनली आपको यहाँ पे डिप्टी जो मैनेजर है माइनिंग के लिए, इसमें आपका यहाँ पे जो है 4 ईयर्स की एक्सपीरियंस रखी गई है, एंड डिप्टी मैनेजर सर्वे के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो है 4 ईयर्स की यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर्स माइनिंग जो कि सुपरवाइजर्स ब्लास्टिंग सुपरवाइजर्स के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनमें भी आपका डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ अगर आपने DGMS के द्वारा जो इश्यूड जो सर्टिफिकेट होगा, या अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग भी कर रखे होंगे, तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे 5 ईयर्स की यहाँ पे रखी गई है। ओके, यहाँ पे पोस्ट इन वर्कमैन देख पा रहे जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताई गई शॉर्ट फायरर के लिए, तो यहाँ पे मैट्रिक पास भी मांगी गई है। तो आपके पास मैट्रिक या फिर मैट्रिक पास के साथ यहाँ पे वैलिड माइनिंग जो सरदार की पोस्ट होती है, ओवरमैन, शॉर्ट फाइटर, ब्लास्टर, ये सब के अगर आपके DGMS के द्वारा इशूड सर्टिफिकेट होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें भी मिनिमम जो है आपका 3 साल के एक्सपीरियंस आपके होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा, तो आप बिल्कुल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो यहाँ पे आप अगर डिप्टी जो जनरल मैनेजर की पोस्ट में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, तो 1,18,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। वहीं पे अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, तो उनको 78,800 रुपये आपको पर मंथ जो है सैलरी के तौर पर आपको दी जाएगी। तो वो किस पोस्ट में आप सिलेक्टेड होते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ जो यहाँ पर सैलरी भी देख करके जो है आप इसमें अगर एलिजिबल है, तो आप बेसिकली जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका यहाँ पे 21 आपको यहाँ पे रखी गई है, जिसमें कि आपका SC ST एंड OBC आप किस कैटेगरी से होंगे, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है सीटें देख करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका समुदाय होगा, इसमें देख करके जो है आप अप्लाई कीजिएगा।
तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो ऑनलाइन यहाँ पे बदलाई गई है, तो ऑनलाइन जो है इसका मोड जो है यहाँ पे भरी जानी है। तो इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो जो NMDC की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है, सबसे फर्स्ट इसमें जाना होगा, देन आपका करियर का पेज ओपन होगा, वहाँ से आप जाकर जो है इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल वहां से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 27/5/2021 से जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 16/6/2021 जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप 16/6/2021 से पहले जो है आप इस फॉर्म को जरूर से आवेदन कर लें। वहीं पे अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट रहती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो इसके हेल्पलाइन नंबर दी गई है, इस हेल्पलाइन नंबर में भी जो आप कॉन्टेक्ट करके जो है आप इसके बारे में पूछ सकते हैं किसी भी तरह की, अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहें तो। ठीक, और यहाँ पे जो एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे ले जा रही है, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ग्रेड पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पे 500 जो है एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे ले जाएगी। एंड जो लोग सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पे 250 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग यहाँ पे वर्कमैन ग्रेड पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पे जो है 150 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी यहाँ पे ली जा रही है। तो इस एप्लीकेशन फी को आप किसी भी ऑनलाइन मोड पे जो है इसका आप पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पे ऑनलाइन मोड जैसे कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, UPI, भीम, इंटरनेट बैंकिंग या फिर SBI कलेक्ट के माध्यम से भी जो है आप इसका एप्लीकेशन फी को आप पेमेंट कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप SC ST या फिर PWD या फिर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं ली जाएगी। अगर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपको सिलेक्शन होने वाली है। यहाँ पे देख पा रहे कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन आपको रिटर्न टेस्ट में जो है 100 मार्क्स जो है आपको मैक्सिमम होने वाली है। एंड स्टेज 2 में आपका सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा जो कि सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, एंड स्किल टेस्ट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग इन नेचर जो है आपका 100 मार्क्स के यहाँ पे होने वाली है। तो इस प्रकार से जो है आपको सिलेक्शंस होने वाली है। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी।